G7 पक्का याद हो गया। G7 मतलब गुड्स, P10 मतलब 10 इज रिलेटेड टू योर प्राइस, तो P10 इज रिलेटेड टू योर प्राइस, पक्का याद हो गया यहां तक। अब मैंने कहा था कि फोर्थ ए बी सी डी, डी मतलब 4 और एफ मतलब 5, तो यहां पर डी याद कर लिया और यहां पर एफ। फर्स्ट वाला बायर हमें पक्का याद है, बायर पक्का याद है, उससे पहले दो रह गए ना, ये भी डी से ही है और इसके बीच में एफ, बीच में एक रह गया वो भी एफ से ही है, यहां तक पक्का याद हो गया। और इसका पता ये सेलर, अब मेरी बात सुनो, ये डी 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 पता है लेकिन ये नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। एफ पता है लेकिन आगे नहीं पता। अब एक एक बात ध्यान से सुनो, जो ये सेक्शन 2 क्लोज 2 है ये आपकी बताती है डिलीवरी, क्या बताती है डिलीवरी, और डिलीवरी का मीनिंग क्या होता है कि जब वॉलेंटरली ट्रांसफर किया जाता है पोजेशन ऑफ गुड्स किसी दूसरे पर्सन को, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। और वो डिलीवरी किसी भी टाइप की हो सकती है, वो डिलीवरी हो सकती है आपकी एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो, समझ रहे हो, सकती है आपकी टोकन डिलीवरी हो, तो वो किसी भी तरीके की हो सकता है, लेकिन डिलीवरी का सेक्शन कौन सा है आपका 2 क्लोज 2। ये आपका सेक्शन 2 क्लोज 2 किस क्या दर्शाता है, डिलीवरी, समझ में आया पक्का यार। सेकंड, फिर थर्ड नंबर पर फिर डी है, तो यहां पर डी का मीनिंग है डिलीवरेबल स्टेट, क्या है डिलीवरेबल स्टेट, दैट मींस जो बायर परचेज करना चाह रहा है, जो सामान बायर परचेज करना चाह रहा है, क्या एक्चुअल में वो सामान उसी स्टेट में है, स्टेट का मतलब राज्य में नहीं, उसी कंडीशन में है। मान लीजिए मैंने कहा था सेलर को कि प्लीज मुझे एक चेयर दे दो, ठीक है, और वो मुझे लकड़ी पकड़ा देता कि जा अपने घर पर जाकर इसकी चेयर बना ले, तो क्या वो डिलीवरेबल स्टेट हुई, नहीं। तो डिलीवरेबल स्टेट का मीनिंग क्या है कि एक्चुअल में जब मैं बायर जो सामान जिसमें परचेज करना चाहता है एक्चुअल में वो उस सामान को दे रहा है। फोर्थ नंबर पर फिर डी आ गया, तो अब डी का मीनिंग क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, दैट मींस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का मीनिंग क्या है कि जो गुड्स आपने ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, कई बार आप पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं कर पाते, लेकिन आपको, आप मतलब जैसे मैं बायर हूं, मेरे को पेमेंट करनी पड़ जाती है, लेकिन वो सामान मेरे को उसी टाइम पर नहीं मिलता है, तो क्या हो जाता है, जो सेलर होता है ना वो मुझे टाइटल ऑफ गुड्स, मुझे ओनरशिप प्रोवाइड कर देता है, मीनिंग चाहे वो किसी भी फॉर्म में, वो मुझे बिल्स ऑफ लैंडिंग के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में वो मुझे ओनरशिप दे देता है, तो उसको क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो यहां तक हमारे पक्के सेक्शन हो गए, सेक्शन 2 क्लोज 1 इज रिलेटेड टू योर बायर, बायर हो सकता है आपका जो बाय करता है गुड्स या फिर एग्रीज टू बाय द गुड्स। सेकंड नंबर पर आता है आपका डी डी डी, सेकंड थर्ड फोर्थ डी डी डी, फर्स्ट नंबर पर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद डिलीवरेबल स्टेट, और थर्ड नंबर पर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अब हमने बात करी थी एफ, मतलब फिफ्थ नंबर पर एफ, एफ का मतलब होता है फॉल्ट, फॉल्ट जो गुड्स में फॉल्ट नहीं आ जाती, कुछ खराबी, तो वो होता है फॉल्ट। उसके बाद फिर एफ आया, तो ये हो गया आपका फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मीनिंग क्या होता है कि जब मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि प्लीज मुझे चेयर दे दो, आपने कहा कि देखो अभी लकड़ी है, अभी हमने चेयर बनाई नहीं है, तो हाँ मैं आपको फ्यूचर में डिलीवर पक्का कर दूंगा, तो वो क्या है फ्यूचर गुड्स। जैसे कई बार होता नहीं है, जैसे गेहूं उगा रखे हैं, राइट, अभी वो पक्के बिल्कुल खड़े ही हुए हैं, मतलब कटाई होनी बाकी थी कि उससे पहले ही जो परचेज करने वाले होते हैं ना, वो वहां से मंडी से जो आते हैं, वो पहले ही बोल देते हैं कि मैं खड़ी ये जो फसल है ना, मैं इसको यूं ही परचेज कर रहा हूँ, तो वो पहले ही रुपए दे जाते हैं, उसके बाद क्या वो उसको कच्चों को ही काट ले जाएंगे, नहीं, वो जब पक्कर बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे तब उनको लेकर जाएंगे, लेकिन सेलिंग जो प्रोसेस थी वो तो पहले ही हो गई, मीनिंग जो फार्मर था उसको उसने दे दिए पैसे और फार्मर ने उनको बेच दिया, लेकिन वो पकने के बाद लेके जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर गुड्स, पक्का हो गया। G7 वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता, पिछली बार भी क्वेश्चन आया, G7 पक्का याद करो। देखो जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनो, G7 मतलब गुड्स इज रिलेटेड टू सेक्शन 2 क्लोज 7। अब ये गुड्स का मीनिंग क्या होता है, देखो गुड्स के अंदर हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी दो चीजों को छोड़कर। अब दो चीजें कौन सी होंगी, एक्सनेलेबल क्लेम और मनी, मनी और एक्सनेलेबल क्लेम को आप गुड्स में इंक्लूड नहीं करोगे, बाकी हर एक मूवेबल गुड्स
आपके किस में इंक्लूड होगी? गुड्स में। अब गुड्स में क्या क्या हो सकता है? आपका स्टॉक एंड शेयर्स भी इंक्लूड हो सकता है। याद रखना, स्टॉक और शेयर्स आपका गुड्स हो सकता है। दो चीजों को छोड़कर बाकी सारे गुड्स इम्यूवेबल गुड्स। दो चीजें कौन सी? मनी और एक्सनेलेबल क्लेम। यस, स्टॉक एंड शेयर्स हो सकता है आपका। ग्रोइंग क्रॉप्स हो सकता है। ग्रोइंग क्रॉप्स जो मैंने अभी बात करी, क्यों करी? अभी फसल पूरी पक्के तैयार नहीं, फिर भी वो क्या हो सकता है? गुड्स हो सकता है। और आपका ग्रास वगैरह, ठीक है? तो ये क्या हो सकते हैं आपके? स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये आपका गुड्स हो सकता है। हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो दो चीजों को छोड़कर, एक्सनेबल क्लेम और मनी। ये पता है मैं क्यों बता रही हूँ? इंपॉर्टेंट, अभी प्रीवियस में पेपर में आ रखा था ये क्वेश्चन, अभी दिसंबर वाले में, तो ध्यान से सुना करो एक बार। यस, तो गुड्स पक्का याद हो गया। अब मैंने बात करी थी कि 210 में प्राइस होता है। प्राइस क्या होता है? जो कंसिडरेशन जो एक बायर सेलर को पे करता है वो क्या होता है? प्राइस। अब इसके बीच में दो यहां रह गए, दो यहां रह गए। लर्न करने का तरीका बता दूं, एट इनसोल्वेंट। एट क्या हो गया? इनसोल्वेंट। पक्का याद हो गया इनसोल्वेंट। इनसोल्वेंट का तो मीनिंग आपको पता होता है, जो आपके अपने डेट पे नहीं कर पाता, फिर उस किसी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, वो उसकी सारी एसेट्स लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी की पेमेंट करता है, एसेट्स को बेचता है, वो आपको पता है, वो छोड़ो। इंसॉल्वेंट एट समझ में आ गया। अब आती है बारी नाइन की। देखो नाइन के अंदर आपको याद रखना, 3 × 3 क्या होता है? 9, जो है 3 में ऐसे, इसको ऐसे बना दो, बना दिया। अब इसका क्या बना दिया? मर्कंटाइल एजेंट, मर्कंटाइल एजेंट। दैट मींस जो आपकी गुड्स को बेचने में, खरीदने में मदद कर रहे हैं ना, उनको बोलते हैं मर्कंटाइल एजेंट। मर्कंटाइल इज रिलेटेड टू योर ट्रेडर्स, एंड एजेंट का तो आपको पता ही है। तो बेचने में जो आपसे गुड्स परचेज करके किसी और को बेच रहे हैं, या आपसे सेल करके, ऐसे जो बीच में काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मर्कंटाइल एजेंट। और उसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 9। यस, अब आपका 11 और 12 रह गया। देखो पी प्राइस था, 11 इज रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी जो होती है वो जनरल नेचर की होगी, स्पेसिफिक नेचर की यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी। और 12 इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी, जब आप सेलर बेचने जाएगा तो गुड्स को देखेगा कौन सी क्वालिटी है, तो क्वालिटी ऑफ गुड्स। और क्वालिटी ऑफ गुड्स के अंदर आपकी, मतलब गुड्स की क्वालिटी देखी जाएगी। तो क्या आपको सेक्शन सारे लर्न हो गए? सेक्शन 2 क्लोज 1 से लेकर सेक्शन 2 क्लोज 13 तक। 1 इज रिलेटेड टू योर बायर, 13 इज रिलेटेड टू सेलर, 2, 3, 4 इज डी से रिलेटेड, डिलीवरी, डिलीवरेबल स्टेट, और उसके बाद कौन सा था हमारा? डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट्स। देखो ये ना, मेरे को थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो याद रखना डॉक्यूमेंट्स ऑफ, और अगर वैसे भी याद नहीं रहे ना, तो D4 है इज रिलेटेड टू योर टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट्स अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद 5, मतलब 5, 6, 7। 5 इज रिलेटेड टू योर फॉल्ट, फॉल्ट से आगे फ्यूचर गुड्स, 7 इज G7 गुड्स। यस, 8, 9, 10, 11, 12, 10 इज रिलेटेड टू योर प्राइस, उससे पहले 8 इज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंट, 9 मर्केंटाइल एजेंट। यस, फिर पी प्राइस था 10, 11 इज रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, एंड 12 इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ गुड्स, और 13 तो आपका सेलर। ये था आज का कॉन्सेप्ट, और आगे हम करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एंड थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। बाय बाय, टेक केयर।